सो हेलो गाइस, जय श्री राम। वेलकम बैक टू माय चैनल विवेक ऑन व्हील्स वंस अगेन। और कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है बहुत ही अच्छे होगे, मस्त होगे, स्वस्थ होगे और मौज चल रही होगी। तो भैया हेलमेट वेलमेट लगा के तैयार हो चुके हैं हम, ठीक है। और मैंने सोचा कि आज यहीं से रिकॉर्ड करके स्टार्ट करके फिर चलते हैं। और बाइक अपनी एकदम चंपा बन गई है, चंपा। तभी दिखाते हैं नीचे जाके और फिर निकलते हैं राइड पे। और आज थोड़ा लेट हो गए, धूप निकल गई। धूप निकलने से पहले वैसे हम पहुंच जाते हैं, पर दिखा देता हूं मैं आपको। और ये देखो, ये मेरा पूरा बाग है, ठीक है। तो ये मैंने खाली छोड़ रखा है ऐसे ही, इसमें मैं कुछ बनवाऊंगा नहीं, ऐसे ही बस नॉर्मल रखूंगा ताकि मैं नेचर के नज़ारे ले सकूँ, है ना। तो चलो फटाफट से निकलते हैं हम लोग, है ना, और आपको बढ़िया बढ़िया नज़ारे दिखाते हैं। तो भाई लोग, मैं निकल चुका हूँ घर से और द्वारका पहुंच चुका हूं मैं। और फटाफट से अपन पहुंचते हैं एम्बियंस। ओ ग्रीन है, ग्रीन है, ग्रीन है, निकालो 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 जल्दी से। फटाफट से मैं पहुंचता हूं एम्बियंस, उसके बाद फिर चलेंगे अपन ओल्ड राव या फिर मन्नत, और वहां पे बढ़िया बढ़िया से आपको नज़ारे दिखाएंगे और ब्रेकफास्ट करेंगे और घर वापस आ जाएंगे। तो आज का यही अपना टाइम टेबल रहने वाला है, ठीक है। तो पहले पहुंचते हैं फटाफट से। एक्चुअली आज पाँच बजे का अलार्म तो लगा रखा था, हर मतलब डेली मेरा 5 बजे का अलार्म होता है, छुट्टी हो या ना हो। वो पता नहीं, समझ नहीं आया, बजा तो होगा ऑब्वियसली, बट सुनाई नहीं दिया। अपन 6 बजे उठे और 6 बजे उठे तो अभी टाइम हो रहा है 7:37, तो अब 8 बज जाएंगे पहुँचते पहुँचते ना वहाँ पे। बड़ी लंबी रेड लाइट है भाई, उन अंकल को पता नहीं क्या हो गया, कैसे गिर गए वो समझ नहीं आया। भाई सब उठा तो रहे हैं, पता नहीं दौड़ा वोड़ा आ गया, पता नहीं क्या हुआ है। चलो वो अंकल ने उठा तो दिया। भाई गाड़ी देखो यार, क्या ब्यूटीफुल गाड़ी जा रही है यार, BMW। ये देखो क्या प्यारी लग रही है। साउंड देखो इसका, साउंड ओ भाई साहब, दिल खुश कर दिया, दिन बना दिया, मतलब आज का तो दिन ही बना दिया भाई। सुबह सुबह ऐसी चीजें देखने को मिल जाए ना, दिल खुश हो जाता है। पता नहीं आपको GoPro में सुनाई दे रहा होगा या नहीं, बट भाई साउंड फाड़ है फाड़। और अब यहाँ के नज़ारे देखो आप, से देखो ये देखो क्या सही लग रही है ना। वो जो गेम में जो गाड़ियां नहीं आती, जो हम लोग मोबाइल में गेम खेलते हैं जो गाड़ियां आती, वैसी नहीं लग रही बिल्कुल, है ना। भाई खड़ा है इंतजार में, कैसे खड़े हो इंतजार में। क्या टाइम हो रहा है? मेरे को लगा क्या पता आ गए होगे पहले ही। नहीं भाई 58 सही आ गया यार, मैं द्वारका से 37 पे निकला था। 37 अभी कितना हो रहा है? 58 58 कितना, 20 मिनट पे? हाँ 20 भी पूरे कहाँ लगे, हाँ 20 लग गए। अच्छी बात है, और बहुत धीरे आया था मैं चैन सेट के चक्कर में, मैंने कहा नया डलाया तो थोड़ा रमने दो इसे, रम जाएगा। तुम स्पीड में चलाओगे तो भी रम जाएगा। ये बाला कलावा पहन के तुम्हारे नाक पे दो निशान हो गए। अरे वो हो जाता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, बट ये भी पसीना वो सोख लेता है ना, मेन जो स्वेटिंग होती है वो सोख लेती है। ये कौन सी नई बाइक है भाई, N160 है क्या? नहीं वो है, ये 400 होगी।
400 जैसी लग नहीं रही है। बल्कि होनी चाहिए ना थोड़ी, तो 400 यार बल्कि ही लगनी चाहिए भाई, इससे अच्छी डोमिनर लगती है। बजाज ने 400 के 7692 यूनिट बेचे हैं लास्ट ईयर के बजाय इस ईयर 400 के। अरे सस्ती है ना, इसीलिए तो सस्ती के चक्कर में लोग अपना शौक 400 में इसमें कर ले रहे हैं पूरा। और सस्ती के पीछे भागना नहीं चाहिए भाई। हाँ भाई साहब, G900 एकदम चिल्लाते हुए ले गया। G900 थी। और भाई एम्बियंस पहुंच गया था, थोड़ी बातचीत करी 10-15 मिनट और अब अपन निकल चुके हैं हम दोनों कहाँ, प्रधान के ढाबे पे अरावली। तो प्रधान हम आ रहे हैं, पराठे लगा के रखो। तो भाई परोठे परोठे खाते हैं और थोड़ा बैठते हैं वहाँ पे, गप्पे लड़ाते हैं और फिर अपने घर वापस चले जाएंगे। क्या एक्सप्रेसवे बनाया भाई, सुंदर सा। यहाँ से ले लेंगे हम राइट वहाँ। चलो 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 बड़ी भाई को वालो, जल्दी चलो आगे। आगे आगे देख होता है क्या। ब्राउन मुंडे, ब्राउन मुंडे नहीं, ऑरेंज मुंडे। हर हर महादेव। हम सस्ते में फील नहीं ले लेते पहाड़ों का, फील हम सस्ते में नहीं ले लेते। सो गाइस, हम आ चुके हैं मिनी शिमला में, जो कि ये देखो आपको यहाँ घोड़ा भी देखने को मिलेगा, देख रहे है वो देखो, यहाँ पहाड़ मिलेंगे आपको, मतलब नेचर मिलेगा आपको, नेचर की खूबसूरती है ना। और रॉयल एनफील्ड का ग्रुप जाया था। अबे नींद क्यों आ रही है बे, सब वापस आ रहे हैं, हम अब जा रहे हैं। जिसके पास जो बाइक है घूमने आ जाता है। अब जैसे हमारे जेट प्रभजोत साहब गए हैं स्प्लेंडर से, सोचो लद्दाख जम्मू कश्मीर, तो वो साहब अलग टाइप का ही एडवेंचर करते हैं, मतलब है ना, बोला स्ट्रगल नहीं होगा तो फिर क्या ही फ़ायदा। और बात भी सही है कि यार वो अपनी 1250 या 1200 लेके जाते हैं BMW, तो उसमें क्या ही पता चल रहा है यार ऑफ रोडिंग का। और उसका तो बाइक है ही इतनी प्यारी और है ही इतनी कंफर्टेबल बाइक है ना, कि एक बार में आप 200-250-300 किलोमीटर तक चला सकते हो उस बाइक, इतनी कंफर्टेबल बाइक है वो एक बार में एक राउंड में। तो वो है, आप वो गए स्प्लेंडर से तो स्प्लेंडर से पता चलेगा उन्हें स्ट्रगल। और भैया हमारे तुम्हारे सपनों की रानी चली गई, तुम्हारे सपनों की रानी चली गई। अरे बिल्कुल बिल्कुल, आने वाले 3 साल में तो अपन भी बनाएंगे यार लद्दाख का प्लान ना, एक बार जल्दी बनाएंगे। और हो सकता है अपनी इसी बाइक को ले चले, है ना, अब देखते हैं। ये मौसम की बारिश
देखो चिड़िया चिड़िया की चहचहाट देख रहे हो आप, कितना प्यारा लग रहा है, मतलब बैठे हैं एकदम नेचर में। ये देखो भाई साहब पता नहीं क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हो आप, ये किसका हेलमेट चुरा रहे हो? मैं ये कर रहा था दिखा दिखा दे भाई साहब, ठीक हो रहे हैं अब तुम्हारे? सही बताओ नजर ना लग जाए इसलिए पहले ही थूक दिया ये, और ये देखना इधर दिखाना फ्री में बिग मसल का प्रमोशन किया जा रहा है क्या है परफॉर्मेंस ही पहचान है, अच्छा पहचान, ठीक है चलो भाई चलते हैं, हम तो ऐसे तरीके किसी के प्रमोशन करते नहीं है, तो चलो चलते हैं थोड़ा एक्सरसाइज कर लें। अब तुम्हें अब भाई को खा के मैगी वैगी कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद एक्सरसाइज करने का टाइम है भाई, ये सही है भाई, कार्ब्स लोड करना चाहिए ना एक्सरसाइज से पहले। हाँ कार्ब्स से एनर्जी मिलती है, इसलिए एक हफ्ते से लगातार कार्ब्स ही कार्ब्स ले रहे हैं, बाकी हमें मतलब नहीं है। सुबह पराठे में कार्ब्स, इधर मैगी में कार्ब्स। भाई को बीन्स निकालनी है यार, मुझे बीन्स निकालनी है लेकिन पता नहीं अभी तो दिख नहीं रही। भाई वींस का कुछ करो यार वो ले लो, जब तुम ग्राम से मिलीग्राम पे आ जाओ ना तो समझना बॉडी बनने वाली चलो फिर चलते हैं। ओके आगे तो भाई निकल चुके हैं हम लोग दोनों भाई अरावली से घर की तरफ। तो भाई कुलदीप भाई हो जाएंगे लेफ्ट और अपन चलेंगे सीधे, चलो इनको कर देते हैं लेफ्ट, इनको मार देते हैं लात, ये लेफ्ट हो जाएंगे, चलो बाय बाय। तो चलो गाइस आज की यात्रा यहीं समाप्त होती है, मतलब आज का ब्लॉग यहीं समाप्त होता है। आई होप कि आपको बहुत मज़ा आया होगा, आज के ब्लॉग में काफ़ी फन था, ठीक है, और ड्रैग रेस भी हो गई बीच में जो कि आपने देखा होगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, कुछ अच्छा लेके आएंगे, कुछ नया लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तब तक आप अपना ध्यान रखना और परिवार का ध्यान रखना, माता पिता से प्यार करना, टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।